दोस्तों नमस्कार। आज है शनिवार 3 अगस्त सन 2024, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2081। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर पांच मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों भाषाओं में आपको जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा मार्च अप्रैल के अंदर हमने आपको अलसी के ऊपर अपडेट दिया था कि इस बार बिजाई कम होने की वजह से अलसी के अंदर पिछले 3 साल का जो सूखा था वो ख़त्म हो सकता है। गौरतलब है कि अलसी में पिछले लगभग 3 सालों से किसान व्यापारियों को हैरान परेशान किया था और भावों में कुछ मुनाफा नहीं मिलने से किसान और व्यापारी काफ़ी निराश थे। दोस्तों, उस वक्त हमने कहा था कि अलसी का उत्पादन कम है, इसका असर आने वाले समय में तेजी हो सकती है। 50-55 रुपए की अलसी 65 रुपए तक बिकी। दोस्तों, विश्लेषण वो जो आपको अग्रिम मिले और व्यापारी, अनुभवी व्यापारी हमेशा आगे की विचार सोचकर काम करता है, समय मिलने पर मुनाफा वसूल करता है और फिर दूसरा आइटम उसको देखता है। व्यापार खरीद और फरोख्त का काम है, व्यापार खरीदने और बेचने दोनों का काम है। यदि आपने खरीदा माल और बेचा नहीं सही समय पर तो आप व्यापार में फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें विश्लेषण का बहुत रोल अदा होता है। जिस प्रकार किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे यदि सही पढ़ाई होती है तो वो उसके विद्यार्थी की सफलता का में काफ़ी महत्व हो जाता है और इजाफा हो जाता है और वो अच्छे नंबरों से पास होता है। उसी प्रकार व्यापार के अंदर सही विश्लेषण आपको मददगार साबित होता है आपके प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों, विशेष विश्लेषण, अग्रिम विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। गौरतलब है कि अलसी के दामों में लगातार गिरावट की वजह से किसान बंधु काफ़ी हैरान परेशान थे और इस बार उन्होंने अलसी की बिजाई की कम और उसका नतीजा ये निकला कि अलसी की पैदावार में फर्क आया। जानिए आगे की रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, जहाँ तक ग्लोबल अलसी का उत्पादन की बात करें, यानी पूरे विश्व में साल 2023-24 में लगभग 26% की अलसी की उत्पादन में गिरावट मानी जा रही है और उसका प्रमुख कारण प्रतिकूल मौसम और बिजाई क्षेत्र में कमी की प्रमुख वजह बताई जा रही है। भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में लगभग 26% का उत्पादन कम है। गौरतलब है कि अलसी का प्रमुख उत्पादन कनाडा, रूस और भारत में होता है और भारत से अलसी का निर्यात यूरोपियन देश, अमेरिका, चीन आदि देशों को होता है। गौरतलब है कि इस साल भारत में भी अलसी का उत्पादन 8 लाख टन से घटकर 6 लाख मैट्रिक टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि यदि हम अलसी के उत्पादक के सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम होने से उत्पादन काफ़ी कम हुआ और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 3 सालों से अलसी के भावों में काफ़ी नीचे रहने की वजह से किसानों का मोह या रुझान भी बिजाई की तरफ कम गया। गौरतलब है कि भारत में अलसी की प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान माने जाते हैं और इस बार किसानों को पिछले कई फायदा नहीं रहने से अलसी के अंदर उनका मुंह भंग था और यही कारण है कि अलसी का उत्पादन कम हुआ। इस सीजन में अलसी के दाम काफ़ी नीचे थे और लगभग 50-55 रुपए के भाव थे और उस वक्त आपको हमने कहा था कि उत्पादन कम है, ग्लोबल लेवल पे उत्पादन कम है और भारत में भी उत्पादन कम है और ये 8 लाख के मुकाबले 6 लाख मैट्रिक टन की आशंका है और वही हुआ कि 50-55 के भाव अलसी ने देखने के बाद और अब 65-67 रुपए के भाव ऊंचे में देखे गए। कानपुर, हमीरपुर, बांद्रा, ग्वालियर, रीवा, सतना, इंदौर, भोपाल, बीना गंदाई में भाव
इस बार 50 से 52 रुपये प्रति किलो जो मार्च के महीने थे और वो ऊपर 64 से 65 रुपये के भाव ऊपर देखे गए। उसके बाद फिर ग्राहकी कमज़ोर होने लगी, ऊपरी भाव पर मुनाफा वसूली देखी गई और भाव फिर 60 रुपये से नीचे आ गए और कुछ अच्छी क्वालिटी के भाव 62 से 63 रुपये प्रति किलो के भी हैं। गौरतलब है कि तेल मिलों में अलसी की सप्लाई नहीं बन पाई, दूसरी ओर आयुर्वेदिक औषधियों में भी बड़ी मात्रा में कंपनियों में माल अलसी का खरीदा गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब अलसी के अंदर क्या होगा। जहां तक अलसी के दो साल 2023 की बात करें तो इसका बाजार साइज 1510 मिलियन यूएस डॉलर का माना जाता है और CAGR 15.42% की मानी जाती है। CAGR मीन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मानी जाती है, जो 15.42% की है। भारत में ये अधिक है जबकि विश्व में लगभग 6% से नीचे CAGR मानी जाती है। तो दोस्तों अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय MP राजस्थान, इसके अलावा ईस्टर्न UP बिहार के अंदर यहाँ पर अलसी का उत्पादन होता है, इस बार प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी कम थी, किसानों ने बिजाई भी कम की थी और उसका असर ये रहा कि हल्दी ने मार्च से लेके जुलाई के बीच में लगभग 50-55 की हल्दी 65 रुपये देखी गई। तो दोस्तों अब ये बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हल्दी के अंदर मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपको सबसे पहले हल्दी में तेजी की बात कही थी जो कि अक्षत सत्य साबित हुई है।